हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलेट की पेट्रोल टैंक के बारे में। तो गाइस मैंने बहुत लोगों से शिकायत सुनी है कि उनकी जो बुलेट है उनकी पेट्रोल टैंक जो होती है उसमें पानी चला गया है बारिश का, या फिर जब भी वो वॉशिंग को बाइक लेके जाते हैं तो उसके अंदर पानी चले जाता है। तो गाइस इसके पीछे का रीज़न है कि बुलेट की ये जो कैप होती है, मैंने तो ये कैप चेंज की है बट मैं इसके पीछे का रीज़न भी आपको बताऊंगा। तो गाइस जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो बुलेट की जो कैप होती है उसका सील जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, उसमें जो रबर जो होता है सील का वो प्रॉपर टाइट नहीं होता है। उसकी वजह से जब भी आप वॉशिंग को लेके जाते हो बाइक जिसमें हाई प्रेशर से पानी मारा जाता है बुलेट पर, या फिर अगर आप बारिश में बाइक खड़ी है आपकी घंटों तक, तो गाइस उस सिनेरियो में जो आपकी बुलेट है उसके पेट्रोल टैंक में पानी जा सकता है। तो गाइस अगर आपकी ओल्ड बुलेट है यानी कि आपका सीआई मॉडल है और आपकी नॉर्मल अगर उसमें कैप है तो आप ये तरीका आजमा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने ये हीरो होंडा की जो पेट्रोल टैंक की जो कैप होती है वो लगाई है मेरी बुलेट में। तो गाइस ये जो हीरो होंडा की जो पेट्रोल कैप होती है इसका रबर जो होता है वो बुलेट के पेट्रोल कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटा होता है। तो गाइस उसकी वजह से जो पेट्रोल कैप जो होती है वो आपकी टाइट हो जाएगी आपकी पेट्रोल टैंक से, उसकी वजह से अंदर पानी जाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो गाइस ये तो हो गया सीआई मॉडल्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ यूसी मॉडल्स के बारे में। तो गाइज यूसी मॉडल या फिर जो लेटेस्ट मॉडल की जो बुलेट्स है उनकी पेट्रोल कैप जो है वो पूरी तरीके से निकलती नहीं है जैसे पुराने मॉडल्स की निकलती थी। जो नए मॉडल्स होते हैं इनकी पेट्रोल कैप इस वे में खुलती है और वापस लगती है, वो जुड़ी होती है स्क्रू और स्प्रिंग से। आप देख रहे हो कि ये पेट्रोल टैंक के नीचे यहाँ पर एक आपको पाइप दिख रहा है। तो गाइज ये जो पाइप है ये जुड़ा होता है आपके जो पेट्रोल टैंक का जो ढक्कन होता है इसके यहाँ पर। तो गाइज जब भी यहाँ पर पानी गिरता है यहाँ पर एक छोटा छेद होता है और वो छेद निकलता है यहाँ पर। तो गाइज जब भी आपकी बाइक बारिश में भीगती है या फिर आप जब भी वॉशिंग को लेके जाते हो तो वो जो पानी जो आपके पेट्रोल टैंक के जो ढक्कन होता है वहाँ पर जाता है, तो वहाँ से वो यहाँ पर निकलता है। तो गाइज मेक श्योर आपका ये जो पाइप है ये आप क्लीन रखें, इसमें ना कोई जंग लगने दे या फिर इसमें कोई कचरा ना अटकने दे, बिकॉज जब भी आपकी बाइक बारिश में भीगेगी या फिर जब भी आपकी बाइक को आप वॉश करके आओगे तो वो जो पानी होता है वो यहाँ से स्मूथली निकलना चाहिए। तो गाइज इसके ऊपर एक सोल्यूशन है, आप कोई तार ले सकते हो और आप इस पाइप के अंदर इस वे में डाल के आप इसे साफ कर सकते हो। तो गाइज इससे क्या होगा कि हम अगर इस पाइप को साफ रखते हैं तो गाइज यहाँ पर जो भी पानी गिरता है वॉशिंग का या फिर बारिश का वो स्मूथली नीचे चला जाएगा, इसकी वजह से आपकी जो बाइक की पेट्रोल टैंक है इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो गाइज ये था एक शॉर्ट वीडियो बुलेट की पेट्रोल टैंक के बारे में। जैसे कि बारिश के दिन चल रहे हैं बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि उनकी बुलेट की जो पेट्रोल टैंक है उनमें पानी चला गया है, उसकी वजह से एक तो उन्हें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जाता है बाइक में, साथ ही में जो बाइक है वो मिसिंग का प्रॉब्लम करती है यानी कि चलते चलते झटके देती है। तो आई होप गाइज मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।